हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने अभी आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच में पहला वनडे होगा इसका टीम अभी आपको दूंगा। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा ट्रिक बता दूं कि ये मैच धर्मशाला में होने जा रहे हैं और वो जो ग्राउंड है बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बैटिंग बॉलिंग दोनों ठीक ठाक चलेगा उसी के हिसाब से हम टीम लेंगे। और आप सबको तो पता ही होगा कोहली इस मैच में नहीं खेलेंगे, इस सीरीज में अभी नहीं है, तो रोहित शर्मा कैप्टेंसी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए विकेट कीपर में आप धोनी को ले सकते हो या डिकवेला को भी ले सकते हो, लेकिन कोहली नहीं है तो बैटिंग ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में थोड़े अच्छे बैट्समैन को लेना होगा, क्योंकि अगर एक दो विकेट गिर जाए तो धोनी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और श्रीलंका का तो उतना अच्छे बैटिंग बॉलिंग लाइनअप है नहीं, तो हम धोनी के साथ जाएंगे। अगर आपको डिकवेला चाहिए तो डिकवेला का साथ भी आराम से जा सकते हो, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे टीम सिलेक्शन करें। चलिए फिर मैं यहाँ आपको बैटिंग में देखिए रोहित शर्मा, शिखर धवन और एंजेलो मैथ्यूज को ले लिया। चाहे तो आप उपुल तारंगा के साथ भी जा सकते हो, लेकिन उपुल तारंगा को मैं इसलिए नहीं लिया तो उन्होंने अभी फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए मैं छोड़ दिया। और एंजेलो मैथ्यूज को देखे होगा आप, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था उनका, तो एंजेलो मैथ्यूज को लेने से आपको बेहतर ऑप्शन होगा। और यहाँ पे दुशान गुणातिला का एक अच्छे बैट्समैन है, मैं इनको ले रहा हूँ। अगर चाहे तो इनका जगह मैं रहाणे को ले सकते हो। अभी यहाँ देखिए रहाणे और दिनेश कार्तिक, रहाणे दिनेश कार्तिक और मनीष पांडे तीनों में दो ही खेलेंगे और दो कौन खेलेंगे उसमें थोड़ा को होमवर्क करना पड़ेगा बाद में। अभी तो टीम का न्यूज़ कुछ आया नहीं, मुझे लगता है मनीष पांडे और रहाणे खेलेंगे, तो दिनेश कार्तिक केदार जाधव का बीच में थोड़ा ये होता है, देखना होगा या केदार जाधव को खिलाएंगे दिनेश कार्तिक को खिलाएंगे। लगभग अजिंक्य रहाणे का तो 90% कन्फर्म है खेलने का, तो दिनेश कार्तिक और केदार जाधव मनीष पांडे तीनों में से दो ही खेलेंगे, तो आप उसका हिसाब से ले सकते हो। या आपको दुशान गुणातिला का नहीं चाहिए तो रहाणे का साथ भी जा सकते हो। मैं रहाणे को इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मैं धोनी को तो लिया, मिडिल ऑर्डर में मेरे एडजस्ट कर देगा, तो मैं यहाँ गुणातिला का साथ जा रहा हूँ। चाहे तो उपुल तारंगा भी खेलेंगे, उनको भी ले सकते हो, और लाहिरी त्रिमाने भी खेलेंगे, कुशल पेरा का भी खेलेंगे, इनको भी ले सकते हो। और यहाँ पे हमारा विश्वकर्मा जो है उनका गारंटी नहीं है, वो 90% नहीं खेलेंगे क्योंकि वो टेस्ट प्लेयर है, वैसे भी उनका फॉर्म अभी उतना अच्छा नहीं था टेस्ट में, तो उनको नहीं खिला सकेंगे। और जो रह गया बात श्रेयस अय्यर को मुझे लगता है इस मैच में चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी प्लेयर्स बहुत है इंडिया का, तो श्रेयस प्लेयर को इस मैच में नहीं खिलाएंगे और सिद्धार्थ कौल को भी इस मैच में नहीं खिलाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए मैं हार्दिक पांड्या और तिसारा पेरेरा, यहाँ पे अक्षर पटेल को लिया। चाहे तो आप केदार जाधव को भी ले सकते हो, अक्षर पटेल को मैं लिया लेकिन गारंटी कुछ नहीं है, अक्षर पटेल खेलेंगे या कुलदीप यादव खेलेंगे दोनों में भी थोड़ा कन्फ्यूज है। अगर आपको सेफ टीम चाहिए तो अक्षर पटेल को भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं लिया अभी, मुझे बाद में न्यूज़ पता चलेगा तभी मैं चेंज कर दूंगा। फिर बॉलर में देखिए जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार खेलने का 100% चांसेस है, तो इसी दोनों को मैं ले लिया। और श्रीलंका का एक ही ऐसा अच्छा बॉलर है नुआन प्रदीप है, जो वनडे के लिए काफ़ी अच्छे हैं, उनको मैं लिया। चाहे तो सुरंगा लकमल को भी ले सकते हो, लेकिन हमारा मेरे पास उतना ज़्यादा चांसेस नहीं है। यहाँ पे और एक चांस है अकेला धनंजय का खेलना भी 90% पक्का है। और कुलदीप यहाँ पे अक्षर पटेल में कोई भी एक ही खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा चाहल खेलने वाला है, चाहल 100% खेलेंगे, तो कुलदीप और अक्षर पटेल में एक ही प्लेयर खेलेंगे। फिर यहाँ पे केदार जाधव, मेरा मानना है केदार जाधव लगभग खेलेंगे 90%। अगर केदार जाधव खेलेंगे तो आपको यहाँ दिनेश कार्तिक और मनीष पांडे के बीच में देख कोई भी एक ही खेलेगा, उसी के हिसाब से हम टीम बनाइए। ये हो गया दोस्तों मेरा टीम, एक बार मेरा टीम में आपको दिखा देता हूँ। और मैं हार्दिक पांड्या का कैप्टन बनाया और तीसरा पेरा को वाइस कैप्टन बनाया। आप ऐसा मत करें, रोहित शर्मा को कैप्टन बना सकते हो या धवन को बना सकते हो, चाहे तो मैथ्यू को वाइस कैप्टन बना सकते हो, हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बना सकते हो, बुमराह भुवनेश्वर कुमार, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं सिर्फ ऐसे बनाया आपको दिखाने के लिए,
मैं बाद में चेंज कर दूंगा। ये हो गया दोस्तों मेरा टीम। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।